मेरी अम्मी जिंदगी मौत की घड़ियां गिन रही है, तो मैं थिएटर में पैसे लेने गई हूँ। तो मुझे उस प्रोड्यूसर ने कहा कि बीबी पहले एंट्री करो, फिर आपको पैसे मिलेंगे। खुशी तो मैंने आज तक देखी ही नहीं, खुशी होती का सारी जिंदगी गमों में गुजार दी। अपने आप को खुश रखने के लिए ऊपर से मैं हंसती हूँ, अंदर से टूट चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त अली असलम उर्दू ग्राम के साथ। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल सिर्फ और सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए वक्फ किए, यानी कि उन्होंने थिएटर इंडस्ट्री के लिए काम किया पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ये सोचा कि थिएटर इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए और यहाँ पर आकर इसके हलाल की कोशिश करनी चाहिए? हमारे साथ मौजूद हैं सादिया शेख जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जी? अल्लाह का शुक्र। सादिया जी, पहले तो ये बताइए कि आप इतनी खूबसूरती और नफासत से ये सब कुछ बना रही हैं, ये सीखा है या फिर हालात ने सिखा दिया? हालात सिखा देते हैं, इंसान सीखता तो कुछ नहीं, माँ के पेट से तो कोई नहीं सीख के आता, हालात सिखाते हैं सब। 25 साल आपने दिए थिएटर को, हज़ारों की तादाद में लोग सामने बैठ कर आपको दाद देते हैं, आपके लिए तालियाँ बजाते हैं, हंसते हैं, और अब आप एकदम से उस तमाम रंगीनियों से दूर होकर यहाँ पे आ गई हैं, क्या फ़र्क महसूस होता है? कुछ नहीं, यहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उसकी क्या वजह है? यहाँ पे इज्जत मुझे लोगों ने बहुत दी है कि भाई वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये जो किया है ना, तो मतलब मुझे यहाँ ज़्यादा इज्जत मिली है। थिएटर छोड़ने की क्या वजह हुई? ये एक लंबी दास्तान है, क्या बताऊँ क्या वजह हुई है क्या नहीं, बस होता है ना कुछ तो रीज़न होता ही है ना। पर आज अगर कोई प्रोड्यूसर बुलाएगा तो करूँगी, वरना नहीं फिलहाल। आपकी थिएटर से दूरी, आपकी खूबसूरती की कमी, या फिर आपका टैलेंट का ना होना, या फिर प्रोड्यूसर हजरात जो हैं उनका आपकी तरफ तवज्जो ना करना, आप तीनों में से किस को चूज़ करेंगी? मैं तीनों बातों के आपको जवाब दूंगी, ठीक है? एक तो मैं डांसर नहीं थी, सेकंड मेरे पास सिर्फ अल्लाह की सपोर्ट थी, मेरे पीछे किसी प्रोड्यूसर या किसी दोस्त या किसी का भी हाथ नहीं था सिवाय अल्लाह के, ठीक है? ये दो वजह आते थी कि दूसरा, तीसरा अब शायद मेरे में कोई कमी थी जो मैं कामयाब नहीं हुई या मुझे होने नहीं दिया, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। अगर आप कामयाब नहीं होती तो 25 साल आप कैसे काम कर जाती? पब्लिक ने पसंद किया मुझे और अल्लाह का शुक्र है, इतना मुझे मतलब थिएटर में नहीं इज्जत मिली जितना कि मुझे इर्द गिर्द के लोग मुझे जानते हैं। मेरे मतलब कि इतनी मशहूर मैं थिएटर में नहीं हूँ, लेकिन दुनिया में मैं वर्ल्ड में मशहूर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी बात ये कि जब आपने थिएटर को छोड़ा है, आपके जितने कोलीग्स से ख्वाब प्रोड्यूसर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस हैं, या फिर आपके मदा हैं, किसी ने आपको सपोर्ट किया? हाँ जी, किया भी है और नहीं भी किया, और जिन्होंने किया उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, करती हूँ, मेहरबानी की उन्होंने मुझे याद रखा इस वक्त में भी, मैं उनका देन नहीं दे सकती। पहले एक वक्त ऐसा था कि आप शाम को तैयार होकर थिएटर जाया करती थी, अब आप शाम को तैयार होकर अपनी दुकान पर आती हैं, कैसा लगता है? ना तो मैं कभी थिएटर तैयार होके गई हूँ और ना ही कभी मैं इधर तैयार होके आई हूँ। देख ले साथी हूँ, कोई मेकअप नहीं कुछ नहीं, थिएटर भी ऐसे ही जाती थी, वहीं जाके मेकअप करती थी, वहीं से फेस वॉश करके कपड़े चेंज करके घर वापस आती थी। आप इसी वजह से मैं पीछे हूँ, थिएटर में पीछे रही हूँ कि मुझ में वो चीज़ें नहीं थी, शौक चंचल जो होती हैं, वो जीन पहन के निकलना घर से, या मतलब कि इस तरह की चीज़ें शायद मुझ में नहीं थी, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सकी शायद।
यानी कि आपने अपने आप को कमर्शियल आर्टिस्ट बनाने की कोशिश नहीं की? मैंने सिर्फ रिजक के चक्कर में रही हूँ कि याल्ला मुझे जितना मिल जाए मेहरबानी। आपने इंडिया में जाकर भी पाकिस्तान को प्रेजेंट किया थिएटर को? हाँ जी, मैं गए थे वहाँ पे, एक ड्रामा करके आए थे हम, मास फाउंडेशन की तरफ से गई थी, वो इंडिया पाकिस्तान का ड्रामा था। मेरा एक बेटा होता है, वो जंग लगती है तो वो बच्चा हमारा पाकिस्तान में रह जाता है, तो वो मैं उसको ढूंढती फिरती हूँ, तो फिर वो एक मुसलमान होता है, वो फिर एंड में आके मुझे मेरा बच्चा मिलवाता है। वो इस तरह की कहानी थी और बड़ा अच्छा ड्रामा था, और वहाँ पे बड़े अच्छे लोग थे, उन्होंने बड़ा अच्छा ताउन किया। जब हम यहाँ से अटारी से बॉर्डर की तरफ, इंडिया बॉर्डर पे उतरे हैं, तो उन्होंने बड़ा हमारा इस्तकबाल किया, ढोल ढमके हार वगैरह, बड़ा मतलब कि आर्टिस्ट को इज्जत। एक अजीब सी खुशी हुई थी वहाँ जाके ना, कि जितनी इतनी इज्जत आर्टिस्ट की है, तो पाकिस्तान में आर्टिस्टों का हाल देखे, बेचारे मेरी तरह ही हैं। 25 साल आपने थिएटर को दिए, पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया, जवानी की खूबसूरती आपने पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी और बुढ़ापे में मेहनत कर रही हैं। खैर, इतनी भी बुढ़ी नहीं हो गई मैं, मेरे से बुढ़ी बुढ़ी है जो जवान लग रही है। बुढ़ा आपको मैंने इसलिए कहा क्योंकि 25 साल जब आप बोलती है कि आपने थिएटर को दिए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा टाइम है। इतनी बड़ी नहीं थी मैं जब इस इंडस्ट्री में गई हूँ, थिएटर लाइन में छोटी सी उम्र में गई थी, 95 पीछे चले जाए। आप ज्यादा से ज्यादा मेरी उम्र कितनी होगी, 40? गाना है ना, छोटी सी उम्र में लग गया रोग, कहते हैं लोग मैं मर जाऊंगी। इन एज वो जिसे कहते हैं, ये जो बाबा जी मेरे साथ काम कर रहे हैं, इनके इनसे पूछ ले, ये अलमरा में चाय भेजते थे वहाँ पे, तो ये भी वहाँ से फिर इधर ही आ गए, फिर मेरे साथ होते हैं अब। इनके हाथों में बड़ी बुढ़ी हो गई, पता ही नहीं चला आप जब कैसे गुजरा, पता ही नहीं चला। आप जब यहाँ पर काम कर रही होती हैं और आपके जो मदा है वो अगर आपको पहचानते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? मुझे खुशी महसूस होती है, क्योंकि एक आर्टिस्ट को तो एक अलग पहचान है ना एक, तो जो इधर आके मेरी डबल पहचान बन गई। कभी कुछ लोग बड़ा खुश होते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये काम शुरू कर दिया, थिएटर को नहीं किया, वैसे भी अब थिएटर में रह के आ गया। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मुझे कह के जाते हैं, और कुछ लोग मुझे हौसला अफजाई भी देते हैं, और मेरे रेगुलर कस्टमर भी लगे हुए हैं माशाल्लाह, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, शुदरा से आते हैं, माम पता नहीं कहाँ कहाँ से आना शुरू हो गया, जौहर टाउन, अब मैं आपको क्या बताऊँ कि कहाँ। सादिया शेख, कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो कि आप को समझ ही ना आई और आप रो दी हो, ऐसा कोई वाक़या? ऐसे तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। यादगार ऐसा वाक़या जो आप कभी ना भूल पा रही हूँ? एक वाक़या है, लेकिन वो थिएटर के हवाले से ही है, करूँगी तो अच्छा नहीं है। फिर कोई एक ऐसा वाक़या सुना दें जो आपके लिए इंतहाई खुशी का सबब बना हो। खुशी तो मैंने आज तक देखी नहीं, खुशी होती क्या, सारी ज़िंदगी गमों में गुजार दी, मेहनत मजदूरी में गुजार दी। वाले साहब बचपन में फोत हो गए थे 94 में, उसके बाद अब तक मेहनत ही करती आ रही है। खुशी अपने आप को खुश रखने के लिए ऊपर से मैं हंसती हूँ, अंदर से टूट चुकी हूँ। लेकिन हमने आपको जितना थिएटर पे देखा और जितना हमने आपको यहाँ पे देखा, हमें कहीं से ये नहीं लगता कि आप टूट चुकी हैं। इसकी क्या वजह है? आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो हर आने वाले बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देती है। यही फन होता है ना। अब एक बात मैं बताती हूँ आपको, मैं उस थिएटर का नाम नहीं लूँगी, ना मैं जिक्र करूँगी उस प्रोड्यूसर का, ना मैं बात करूँगी। मैं एक छोटी सी बात करूँगी आपको। मेरी अम्मी 97 में हॉस्पिटल में एडमिट थी, ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको, तो मैंने एक थिएटर से पैसे लेने थे, मकामी थिएटर से ना, कोई पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं थे, 1200 थे। अब मेरी अम्मी ज़िंदगी मौत की घड़ियाँ गिन रही है, तो मैं थिएटर में पैसे लेने गई हूँ, तो मुझे उस प्रोड्यूसर ने कहा कि बीबी पहले एंट्री करो, फिर आपको पैसे मिलेंगे। वो दिन मुझे आज तक नहीं भूला, जब भी वो मुझे दिन याद आता है ना, तो मेरे दिल से एक आह सी निकलती है कि उस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए थे, कि
आया कि उसकी माँ अगर उस जगह पे होती, मैं उसकी जगह पे होती तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। मैं उसको कहती नहीं, ये ले पकड़ जाके अपनी माँ का इलाज करा। 1200 की कोई औकात नहीं है, लेकिन उस बंदे ने मुझे 1200 नहीं दिए थे। ये हकीकती बात है, और जब मैं ये बात सोचती हूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि ऐसे बेहिर्स लोग भी हैं इस दुनिया में। आर्टिस्टों के साथ इतना जुल्म, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, प्रोड्यूसर्स हजरात की तरफ से हो, थिएटर मालकान की तरफ से हो, या फिर वो लोग जो इस सारे मामलात को देखते हैं, इसका कसूरवार आप किसको ठहराती हैं? इंसान खुद कसूरवार है, इंसान खुद कसूरवार है, क्योंकि जब सुनता है, एक से सुनता है, दूसरे से सुनता है, तो बंदा वो कदम ही ना उठाए। वेल, मजबूरी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। अब ये कोई थोड़ी किसी के नसीब में लिखा हुआ है कि तुमने यही करना है, नसीब अल्लाह ने बनाए हैं। अपना नसीब बंदा खुद नहीं बना सकता, तो वो अल्लाह ने बनाए हैं। अब अल्लाह ने पता नहीं किसका नसीब कहाँ लिखा है, रोटी कहाँ की कहाँ लिखी है। थिएटर की कौन सी ऐसी शख्सियत है, आर्टिस्ट, जिनके साथ आपको किया हुआ काम, परफॉर्म किया हुआ थिएटर ड्रामा, जिसको आप कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती? आर्टिस्टों के साथ तो माशाल्लाह मैंने सभी के साथ काम किया है। मोइन अख्तर साहब के साथ, अपना मान साहब के साथ, सहेल अहमद साहब के साथ, शौकी खान साहब के साथ, बबू बराल साहब के साथ, शबाना शेख साहबा के साथ, मैडम नरगिस के साथ, मतलब जितने भी आर्टिस्ट गुजर गई हैं ना, जो अब तक हैं, जो करके जा चुकी हैं, घरों में खैर बात करके बैठ गई हैं, उनके साथ और काफ़ी आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था मैडम नरगिस के साथ, क्योंकि वो नोटी सी है, शरारती, ऐवें बात करते करते कान में कोई बात कर देनी स्टेज पे, तो वो फिर वो मजाक हंसी आ जानी, बात कहीं कि कहीं चल पड़ती इस तरह से। बस मैडम नरगिस मेरे साथ बहुत प्यार करती हैं, मेघा जी मेरे से बहुत प्यार करती हैं, माँ नूर बहुत प्यार करती है, अपना जो क्या मैडम दीदार हैं वो भी, मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, अब की नहीं, अब तो नई नई आ गई हैं, लेकिन जो जितनी पहले जो, वो सारी मुझसे बड़ा प्यार करती है। मैडम नरगिस तो कहती होती है, नहीं मरे मैं तेरी माँ की वजह से तेने ना प्यार करनी है, वरना तेनों तो मैं चपेड़ा मारा। वो मुझे इस तरह की मोहब्बत करती है। नरगिस कभी आपके पास आई यहाँ पर आपसे कुछ खाने पीने के लिए? नहीं, आई तो नहीं है, कहती थी मैं आऊँगी, मेघा जी ने कहा था मैं आऊँगी, वो आई। इस तरह से जिसको जो, मेघा जी आई आपके पास? हाँ जी, मेघा जी आई थी मेरे पास और बड़ा खुश हुई थी आके, देखा उन्होंने मुझे, बड़ी शाबाश दी, प्यार किया कि इंशाल्लाह, कहती हम आएंगे रहेंगे, मतलब कस्टमर भी भेजेंगे। सादिया जी, एक और बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो ख्वातीन है पाकिस्तान की, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हैं, किसी भी इदारे में काम कर रही हैं, वो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं या दिल छोड़ बैठती हैं या मायूस हो जाती है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि मेरी तरफ देखें, हौसला करें, अगर हौसला करेंगे, हिम्मत करेंगी, तो कहते हैं ना, हिम्मत है मर्दा मर्दे खुदा, तो मदद अल्लाह करने वाला, हिम्मत इंसान खुद करे। तो ये जो औरतें जितनी भी हैं ना, मैं इन सबको यही कहूँगी कि ये कुछ औरतें किसी रास्ते पर चल पड़ी हैं, हमारी औरतें ना डोल गई हुई हैं, डगमगा गई हुई हैं, वो समझ नहीं पाती कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो जिधर कोई लगाते हैं ना उधर चल पड़ती हैं। तो मैं उन औरतों को ये मशवरा दूंगी, और आर्टिस्टों को भी, जो मेरी आर्टिस्ट कोलीग हैं जो नहीं आई हैं अभी, उनको, पुरानी तो माशाल्लाह आपको पता नाम कमा चुके हैं, अगर तो कुछ नहीं है तो वो बैक हो जाए, अगर कुछ है तो ठीक है, अगर कुछ नहीं तो वापस बैक आ जाए और अपना कोई और सिस्टम कर ले, कोई और कारोबार कर ले। इस तरह से भी जलालत ही होनी है ना एंड में आके, जी जिस तरह मैं फुटपाथ पे बैठी हूँ, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त उन पे भी आए जो नई टैलेंट जा रही हैं थिएटर में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह उनको उनके मकाम पे पहुँचाए। लिहाजा मेरी यही है कि रिक्वेस्ट है कि बैक हो जाना बेहतर है। सादिया जी, की क्या ये बात सच है कि थिएटर का वक्ती तौर का अरूज, लोगों की तालियाँ, मुद्दाओं की
सीटियाँ बहुत से आर्टिस्टों को गुमराह कर देती हैं? कर भी देती हैं और नहीं भी करती। अगर इंसान मजबूत हो तो कुछ नहीं होता। जैसे मैंने मजबूती में 25 साल गुजारे हैं, मैंने ना कोई दोस्त बनाए, ना कोई मैंने सहेलियाँ बनाई, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ काम की है और मजदूरी की है। अपना मजदूरी करके यहाँ से पैदल जाती थी गढ़ी शो से अलमरा, अलमरा से फिर मैं पैदल ही गढ़ी शो वापस आती थी, फिर मैं पैदल जाती थी तमासील, तमासील से पैदल मैं घर आती थी। अब मैं इसलिए आती थी, पैदल आती जाती थी क्योंकि रिक्शे में बैठते थे, रिक्शे वाले का किराया अफोर्ड नहीं होता था। अगर रिक्शे को देते थे तो घर का खर्चा नहीं चलता था। अब 5,000 रुपये में अब मैं रिक्शे वाले को देती हूँ, अपना घर चलाती। तो वो पैदल आ जा के बस एक एक जगह पे मैंने 2-2 ड्रामे भी किए हैं पैदल भाग के, अलमरा से अल्फला, अल्फला से अलमरा, पैदल भाग के आती थी, जोगर पहनती थी, पैदल उधर भाग के जाना, पैदल इधर आना। इस तरह से मैंने सिलसिले चलाया, अपने घर का निज़ाम चला मेरे घर का, तो आज अल्लाह का शुक्र है। हमें ये सुनने में आया कि जब आप थिएटर इंडस्ट्री में आई थी तो जितने भी तमाशाई आते थे देखने के लिए, हर तमाशाई जो है उसकी आंख आप पर हुआ करती थी। आपके बहुत खूबसूरत बाल थे और आपकी ड्रेसिंग जो थी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले या 25 साल पहले भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इस बात में कितनी सदाकत है? मेरे आप सारे ड्रामे उठा के देख लें, किसी में भी मैंने ओवर ड्रेसिंग पहनी हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ना मैंने कोई वल्गर ड्रेस पहना है और ना मैंने कोई वल्गर डांस किया है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। सादा रही हूँ तो सादा आके चौंक में बैठ गई हूँ। अगर मैं ऐसी होती तो आज मैं भी डिफेंस में बैठी होती, पराडो मेरे नीचे होती, 2-4 नौकर मेरे आगे पीछे होते, एक ने मेरा मेकअप बॉक्स पकड़ा होता, एक ने मेरे जूते पकड़े होते, मैं यहाँ फुटपाथ पे ना बैठी होती। अगर मैं वो जो आप कह रहे हैं, आप मेरे ड्रामे उठा के देख लीजिएगा, सिर्फ स्टार्ट में मुझे एंट्रियाँ देते थे, मिलती थी, करेक्टर मुझे आज तक नहीं मिला। अगर मिला है तो दो बार मैंने करेक्टर 3-4 बार की है, वो भी कोशी खान साहब का ड्रामा था अलमरा में, वो मैंने 2-3 बार करेक्टर किए हैं उसमें, उन्होंने अच्छे करेक्टर करवाए हैं और मैंने करके भी दिखाए हैं और पब्लिक स्टैंड होके क्लैप देती थी कि ऐसा करेक्टर मैंने अदा किए थे। और वैसे ही मैंने ओवर ड्रेसिंग, ये गलत आपने सुना, और अगर है तो मुझे भी दिखाएं, मुझे भी पता चले। सादिया जी, कोई दिल में ऐसा शिकवा शिकायत या फिर कोई अफसोस जो आप थिएटर इंडस्ट्री से करना चाहती हो? क्या करना है, आप थिएटर इंडस्ट्री में रह क्या गया, क्या गिला और क्या शिकवा? 3 बातें मुझे, मैं आपको बताऊं, 3 आर्टिस्टों ने कही थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैडम नूरजहां सिंगर, उन्होंने कहा था मैं दुनिया से चली गई ना तो गायकी ख़त्म हो जाएगी, तो वो आपको पता है हो गई ख़त्म। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कहा था कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो कवाली ख़त्म हो जाएगी, कवाली ख़त्म। अब वो अपना ले लें सुल्तान राय साहब को, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा था मैं फोत हो गया तो इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, फिल्म लाइन ख़त्म हो गई। अब चौथी मज़े की बात अब मैं आपको बताऊँ थिएटर के हवाले से, मैडम नरगस कहती थी, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, कहती थी जो तो मैं थिएटर छड़िया ना तो उधर थिएटर ख़त्म हो जाना, तो वही बात भी ख़त्म हो गया। वाकई कहाँ ओवर सीटेड हॉल होते थे, अब कहाँ सीटें लग रही हैं। मैडम नरगिस के बाद तो ये भी आवाज़ें लगी, नहीं तो जान वाली ये सीटें भी ना लग गई हैं। हाँ जी, वही तो मैं कह रही, सीटा भी लग गई हैं, बुकिंग भी लग गई हैं, सब कुछ ही लग गई हैं, किधर चली गई हैं? हाँ तो यही तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही ना कि उन्होंने कहा था मैं जो तो जाना थिएटर मुक जाना। लेकिन एक चीज़ है कि मैडम नरगिस जो है वो आज भी दिलों में भी हैं, दिमागों में भी हैं, जबान पर भी हैं, और सबसे मज़े की बात ये कि आज की डेट में भी मैडम नरगिस जो हैं उन्होंने अपने आप को बहुत परफेक्ट रखा हुआ है। माशाल्लाह, मैं मिलके आई थी थोड़े कुछ दिन पहले, मतलब के अभी कैनेडा गई हुई थी, उससे पहले मैं गई थी मिलने, तो माशाल्लाह वैसे ही लग रही थी जैसे कि अभी
अप्सरा उतरी है आसमान से। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और मैडम नरगिस की काफ़ी ज़्यादा यारी दोस्ती है। जी मैडम मुझसे, मैंने आपको बताया ना, बड़ा प्यार करती है मुझसे ना मैडम नरगिस, मैडम दीदार और मेगा और मानूर, ये चार खातून मुझसे बहुत प्यार करती हैं ये चारों। आपको मैं एक मुश्किल सवाल करने लगा हूँ, आपको मेगा और नरगिस में से किसी एक को चूज करना पड़े, आप किसको चूज करेंगे? दोनों को। नहीं देखिए व्यूअर्स, आज हमने सादिया शेख को फंसा लिया है सवालों में, भाई गलत बात नहीं, प्लीज सवालों में। पहला सवाल हमारा ये था कि नरगिस मैडम और मेगा जी, इन दोनों में से आपने किसी एक को चूज करना हो तो किसको चूज करेंगे आप? ये तो आपने मुश्किल में डाल लिया, मुझे तो दोनों अजीज है। एक को चूज कर रहे हैं, एक को, मैं तो दोनों से मोहब्बत करती। देखिए हमें जवाब हमारा मिल गया है कि ये दोनों को ही चूज करना चाहती हैं, क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक ने भी देख लिया कि भाई मुझे पीछे छोड़ दिया, उनका इतना ज़्यादा यराना है इनके साथ, मेगा जी इनके पास यहाँ पर आकर खाना भी खा चुकी हैं और वो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो लिहाजा हमारी तरफ से आपको छूट है जी, आप ठीक है, आपकी बात मान ली। अब मुझे ये एक बात बताइए, कोई एक ऐसी आदत मेगा जी की जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? उनकी ये आदत है कि वो हर बंदे से ना एक बड़े धीमे लहजे से बात करती हैं, जी जनाब आप करके। कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ आप कैसे हैं? मैं अच्छा सादिया, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, तुमने टेंशन नहीं देनी, मैं आऊँगी। अच्छा अच्छा बेटा आऊँगी। इस तरह नरगिस कैसे बात करती हैं? नहीं आवाँगी राम नाल भैया, नहीं मारे नहीं, हाँ ना बंद कर फोन आ रही है मैं, नहीं मारे नहीं, हाँ ना बातें ते तेरी मैं अम्मी की वजह से इज्जत करनी, बस वो इसी तरह यही बात करेगी। नरगिस को हमेशा थिएटर पे फिल्म में गुंडी टाइप रोल्स मिले, मतलब गुंडी रन, अथरी रन और हिर रन, हिरन भी थी ना, तो इस तरह के उनको कैरेक्टर्स मिले है ना, जंगली बिल्ली टाइप, हाँ इस तरह के। और जब उनकी थिएटर में एंट्री होती थी म्यूजिक और फिर उनकी वो टाइट ड्रेसिंग और हाई हील और ब्लॉन्ड हेयर्स, तो क्या वो नॉर्मल लाइफ में भी ऐसी ही हैं? नहीं नॉर्मल लाइफ में ऐसे नहीं है, कैजुअली रहती हैं नॉर्मल लाइफ में। तो सुने नॉर्मल लाइफ में बड़ी झुकते मारती हैं वो तो झुकते हैं तो मारनी नहीं, आप ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं ना, झुकते तो वो जाहिर है, वो जिंदगी में अब मैं आपके साथ मार रही हूँ, आपसे हंस रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, अब कोई मिल जाए अपना तो उसके साथ तो फिर मजाक होते ही है ना, फिर जब आप कहीं यारी दोस्ती में बैठते हैं आप भी मजाक करते होंगे। चले पहला सवाल तो हमने आपको छोड़ दिया था, लेकिन अब जो दूसरा सवाल है इसमें से आपने एक जवाब लाजमी देना है, उम्र नरगिस की ज्यादा है या मेगा की ज्यादा है? मेरे ख्याल से दोनों सेम है। ये देखिए ये चीटिंग है, एक का बताना पड़ेगा आपको। अच्छा देखिए ये अपना मैडम, मैडम देखिएगा जरा जवाब आने लगा है, मैडम खुशबू और अपना, नहीं मैं मेगा जी और नरगिस का पूछ रहा हूँ बस, बात बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं इनके साथ बचपन में खेली तो नहीं हूँ ना, हो सकता मैं इन दोनों से बड़ी हूँ, ये तो आप बड़ी तेज हैं, आपको सारा पता है, आप बताना नहीं चाह रही, आप दोनों से यारी निभाना चाह रही हैं। नहीं ये बात नहीं है, बात ये करी माशाल्लाह अभी दोनों यंग ही हैं। ये तो हो गया ना आपका सियासी जवाब शेख रशीद साहब वाला, ठीक है हमें जवाब वो चाहिए जो बिलावल वाला हो डायरेक्ट। मेरे ख्याल से मैडम बड़ी है, मैडम नूरजहां की बात करिए अल्लाह जन्नत नसीब करे, मैडम नरगिस बड़ी है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। कोई एक बात एक लाइन जो आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाह रही हूं? क्या जो दिल में आज क्या दें ठोक दें आज? मेरे दिल में क्या है? कुछ भी नहीं है, एक सादे से बंदे के दिल में क्या होगा? कोई बात कुछ भी जो दिल में था क्या दें आज? मैं अपने आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारी औरतें जो सड़कों पे फुटपाथों पे भीख मांग रही हैं, ये लिहाजा छोड़ दें, अच्छी भली खातूने हैं और कुछ ऐसे लड़के हैं जो वो खुसरा बन के मांगते हैं, उनको भी चाहिए कि ये हरकतें छोड़ें और इज्जत की कमाएं, लोग भी उनको इज्जत की निगाह से देखें, जैसे जगह जगह फुटपाथों पे जवान बच्चियाँ खड़ी हैं, कोई बेटों को लेके बैठी है गोद में, कोई बच्चियों को गोद में लेके बैठी हुई है, मियाँ उनके नशे कर रहे हैं कि पता नहीं करते हैं या नहीं करते, यही कहती हैं कि हमारे मियाँ नशा करते हैं इसलिए हम ये कर रही हैं, चलो कर रही हो
लेकिन इस तरह नहीं करो, किसी के घरों में जाके काम कर लो, मजदूरी कर लो, मेहनत कर लो, कपड़े घर में सी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये फुटपाथ पे इतनी इतनी अच्छी खूबसूरत लड़कियां भी बैठी होती हैं, लेकिन मुझे उस वक्त देख के बड़ा दिल में आता है कि ये क्यों बैठी हैं। ये उन लोगों का भी हक मारती हैं जिनको ज़रूरत है, जैसे कि मैंने जब भी किसी की हेल्प की है ना, जितनी भी हूँ, मेरी औकात इतनी नहीं है, मैंने अपाहज को दिए हैं, बुज़ुर्ग को दिए हैं पैसे, मैंने यंग बंदे को या बंदी को कभी पैसे नहीं दिए, मैंने अपाहज बुज़ुर्गों को पैसे दिए हैं अल्लाह के नाम पे। तो ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, चैनल वालों को भी, कि लिहाजा इनकी तरफ गौर करें, इनको यहाँ से उठाएं, इनको कोई ऐसा कोई ऐसी एक फैक्ट्री बना दें इनके लिए, गरीबों के लिए, कि वो सारी औरतें इकट्ठी करके उसमें मेहनत मजदूरी करें, अपने बच्चों का पेट पालें। दर बदर किसी का दिल तो वैसे भी नहीं करता कि घर से बाहर निकले, किसी औरत का दिल करेगा घर से बाहर निकलने को? इस तरह चौक में बैठ के लोगों के वो पंजाबी में कहते हैं वंशवनिया सूरता वेखनी है, किसी औरत का दिल नहीं करता, वो हर औरत कहती है कि उसका घर हो एक। हमारी दुआ है आप खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की ज़ात आपकी मदद फरमाए अपने गैब के ख़जानों में से। व्यूअर्स, अपने होस्ट अपने दोस्त अली असलम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमारी वेबसाइट हमारे ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह नेगेबान।